अब हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे इस जगह का खूबसूरत नजारा, बहुत खूबसूरत भी और अच्छा भी, वर्थ है आना। कभी इधर आए तो अकेले तो नहीं है। बड़े जी, आपको ये नजारा देख के अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? योग तो अगर कोई व्यूअर्स आया हंसी सीधा जाता है। फालतू फोटो ले लिया खुद का, अच्छा अच्छा लेवा दिया खाली। आज चाय नहीं मिल रहा है क्योंकि भैया वोट देने गए थे। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग सबको नए ब्लॉग में। और अभी हम सब उठे हैं फ्रेश हुए, तो अभी अराउंड टाइम हो रहा है 8 o'clock। जाएंगे खूबसूरत जगह में और आप लोगों को भी दिखाएंगे खूबसूरत जगह। कभी आपको थोड़ा चिल करने का मन करेगा, दुमका थोड़ा सा नज़दीक, तो वहाँ जा सकते हैं आराम से बैठ के, बस चिल कर सकते हैं, कुछ खाने का ले आ सकते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ले आ सकते हैं। हमारा सवारी रेडी है और अभी सबसे पहले जाना है हम सबको पेट्रोल पंप। फ्यूल जरूरत से ज़्यादा कम है तो अब हम जाएंगे पेट्रोल पंप, उसके बाद हम कुछ प्लान करेंगे कहाँ जाना है। तो हम सब प्रॉपर रेडी हो चुके हैं, जैसे हम कह रहे थे कि पेट्रोल कम है। है थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा है गाइस। जैसे गाइस फ्यूल देख सकते हैं कि फ्यूल अभी आपका रिजर्व में चल चुका है 16.9, यानी कि ऑलमोस्ट 17, और ये ब्लिंक कर रहा है गाइस। व्हाट इज दिस बिहेवियर गाइस। सो अब पेट्रोल पंप पर है, गाड़ी में फ्यूल भराते हैं, उसके बाद कुछ डिसाइड होगा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। और वैसे तो अब बहुत सुबह है तो मौसम भी आज अच्छा है, तो आज सोचें कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। 140 Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. So, fuel डल चुका है, दो काट आउट चुका है गाइस। अब इसी के भरोसे आज का सफर करेंगे। So guys, अब बास्की चौक वाले रोड में हैं हम, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे हवाई अड्डा छोड़ के आए हैं। सो अब एनर्जी पर आ गया क्योंकि धूप सब आ गया है, फुल एनर्जी के साथ है। थोड़ा सा रुके थे आप लोगों को नज़ारा दिखाने के लिए कि कहाँ जा रहे हैं, और अभी हम लोग बास्की चौक वाले रोड में हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पुल के पास हम लोग रुके हुए थे, आएंगे आपको दिखाते जाएंगे कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं। So guys, कुछ दूर आने के बाद जब स्ट्रेट आओगे तो यहाँ एक HDFC का बोर्ड मिलेगा आपको, HDFC बैंक का। तो अगर कोई व्यूअर्स आया तो यहाँ आप लोगों को इजी होगा समझने में कि हाँ यहाँ से सीधा जाता है। उस रास्ता से हम आए हैं और यहाँ एक मोड़ है, तो मोड़ से आपको उधर नहीं जाना है, मोड़ से आपको अंदर की तरफ, इधर जो कच्ची रास्ता सड़क गई है इधर से आप लोग को जाना है। सो थोड़ा सा आगे आप आओगे कच्चा सड़क में, तो आप आते आते आपको कुछ ऐसा सीन मिलेगा जो कि पूरा ही जंगल झाड़ है। हाँ जंगल झाड़ तो है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे इस जगह का खूबसूरती, हम लोग क्यों मतलब रीज़न क्यों आए हैं। खूबसूरती तो हर जगह है दुमका में, तो पेड़ पौधा पानी वगैरह हर जगह ही है, लेकिन यहाँ का खूबसूरती आप लोग को बताएंगे रीज़न, मतलब एक्चुअली में आने का रीज़न क्या है यहाँ। चलिए सो चलिए आगे चलते अब। Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. So guys, यहाँ से हम लोग निकले और हम लोग को जाना है लेफ्ट। Go, 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 go. So अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। बोल रहे थे रास्ता में कि यहाँ आने का कुछ रीज़न है, रीज़न तीन है, तीन अलग स्पॉट में जाके आप लोग को तीन अलग अलग रीज़न बताएंगे। तो ये पहला हम लोग जगह रुके हैं, यहाँ खूबसूरत है, एक पेड़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक पेड़ है, यहाँ आप आओगे तो आप लोग को मिलेगा ही। और सबसे पहला रीज़न ये था कि जब हम कोलकाता से जब भी आए थे ना, तो कोलकाता में इतना रश जगह में थे, फिर वहाँ इतना रश ट्रैफिक, एक सप्ताह से कोलकाता में रहता है, वहाँ लग रहा था भाई अब थक गए, इतना ही रश, इतना ही ट्रैफिक चाहिए, इतना ही पोल्यूशन चाहिए। तो पहला सोचे थे कि सबसे पहले कहीं इधर दुमका जाएंगे तो सबसे पहला थोड़ा सा कोई कुछ ऐसा ही नज़ारा ढूंढेंगे और थोड़ा सा इन्जॉय करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स हो थोड़ा सा। और आप लोग को अगला दो रीज़न अगला अलग अलग शॉप में जाके बताएंगे। चलिए गो 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 गो।
यहाँ जैसे कि देख सकते हैं बहुत रेयर ही कोई है, बस जो गांव के लोग हैं वही है। तो हम ही लोग हैं बस एक्स्ट्रा जो साइड से आए हैं। जब हम जाएंगे यहाँ से वो जगह, क्योंकि वो जगह पे भी चले आप लोग दिखाते तब बताएंगे वो जगह क्यों एक्चुअली जाना हो रहा है। You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts, say, and turn them to a game. Take the best thoughts. So finally, हम लोग इस थोड़ा सा पानी के नजदीक आ गए हैं। यहाँ जैसे कि एक खूबसूरत सा जहाँ जो आप नहीं बोल सकते, लेकिन छोटा सा क्या बोलेंगे इसको। तो हम लोग सब पानी के नज़दीक आ गए हैं, और पानी के नज़दीक हम लोग इसलिए आए क्योंकि फ्रेश लगेगा। और हम सब यहाँ आए हैं, और अब एक्चुअली मैं आप यस दूसरा पॉइंट दूसरा लोकेशन में बताने का था। तो दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ हम लोग को थोड़ा सा वापस एनर्जी के लिए, जैसे कोलकाता गए थे तो वहाँ पे पहला दूसरा ब्लॉग में बहुत एनर्जी था, लेकिन वहाँ का ट्रैफिक सब देख देख के, वहाँ का पॉल्यूशन देख देख के, वहाँ का भीड़ देख देख के ना एनर्जी ही डाउन हो गया था। लेकिन अब यहाँ है थोड़ा सा एनर्जी को वापस से हम लोग एनर्जी को लाएंगे, और हम लोग आप लोग को फिर से नए नए कंटेंट के साथ दिखते रहेंगे। फ्रेश स्टार्ट करने का सोचे हैं, और हल्का हल्का धूप अभी निकला है, तो हल्का हल्का धूप थोड़ा सा अच्छा ही होता है। जब ज़्यादा धूप हो जाएगा तब तो हम लोग यहाँ से गायब हो जाएंगे। दिखाते हैं आप लोग को नज़ारा। और एक्चुअली ये लोकेशन आप लोग को बता देते हैं, ये लोकेशन हमारा बास्की चौक उस साइड है, अपोजिट साइड है। अपोजिट हाँ, अपोजिट मतलब थोड़ा सा बगल साइड है। और यहाँ का खूबसूरती तो गाइस आप देख ही चुके हैं। और यहाँ पर ना एक्चुअली ऐसा सीन है कि पूरा शांत है, मतलब कोई आदमी आप लोग को दिखेगा नहीं। सुकून मिलता है यहाँ करके, थोड़ा सा फ्रेश लगता है, क्योंकि कोई आदमी आसपास रहता है तो फिर वही अब तो भाई लोग ही है। पर यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ सिर्फ जानवर दिखने को मिल रहे हैं, यहाँ पानी में बैल नहा रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो कोई गाँव के लोग भी नहीं इधर, तो इधर अकेला ही लग रहा है थोड़ा सा। और कभी इधर आए तो अकेले तो ना ही आए, क्योंकि हम भी अकेले नहीं आए हैं, हम भी अपने फ्रेंड के साथ आए हैं। क्योंकि कुछ ज़्यादा सुनसान हो जाता है, और कभी ऐसा हो कि आपका दिन ख़राब है तो उस दिन तो कुछ भी हो सकता है, तो अकेले ना ही आए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम आए अपने फ्रेंड के साथ, जो कि खुद को बड़ा फोटोग्राफर समझता है। गैस क्या भाई, फोटोग्राफर है क्या भाई? और यहाँ कितना एनर्जी पता नहीं क्यों आ रहा है, एनर्जी सब वापस बैक आते जा रहा है, बैक टू दुमका। बंदे को हमने फोटोग्राफर क्या बोल दिया, ये तो अब हम ही को फोटो खिंचवा रहा है। गुस्सा गाइस, गुस्सा। इसको कुछ फोटो खींच देते हैं और इसको कर देते हैं खुश। क्या भाई खुश हो रहा है फोटो खिंचा रहा है? बहुत खुश, अद्भुत खुश हो रहा है कि नहीं गाइस? डबल अद्भुत खुश हो रहा है। अब गाइस फोटो खिंचाने का बारी मेरा है, तो अब हम भी फोटो खिंचाएंगे, सीन खूबसूरत सीन को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, और सब बाल बाल बना लेते हैं गाइस। भाई ने हमारा फोटो ले लिया है, और इसका कहना है कि मतलब ये हमसे ज्यादा अच्छा फोटो लिया है, तो यहाँ हम लोग में थोड़ा डिबेट होगा। फालतू फोटो ले लिया, अच्छा अच्छा लेवा दिया खाली। अब हम सोच रहे हैं, यहाँ हम काफ़ी घूम लिए, इधर इंजॉय कर लिए, सो हम सोच रहे हैं थोड़ा सा पीछे जाएंगे उधर, थोड़ा सा जहाँ जाके बैठेंगे, और जो बिस्किट वगैरह पार्ले जी बिस्किट थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं गाइस, और पार्ले जी बिस्किट लाए हैं तो हम खा के इसको थोड़ा सा अपना बॉडी में एनर्जी डालेंगे। तो इतना धूप में तो नहीं खा सकते गाइस, लू लग जाएगा। तो हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ एक बहुत खूबसूरत जगह है बैठने के लिए, तो वहाँ जाएंगे हम। हेलमेट पहनो भाई, व्हाट इज दिस बिहेवियर गाइस? जब भी गाड़ी चला है हेलमेट पहन के चला है। Never slow yourself down, you can do some more. Push past start a pain and you find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low. So guys, अब हम तीसरे स्पॉट पे पहुंचे, जैसे कि हमने बोला था तीन स्पॉट जाएंगे हम लोग, तो तीसरे स्पॉट आए हैं इसलिए क्योंकि यहाँ थोड़ा सा हम लोग छांव है, तो छांव में बैठेंगे, चिल करेंगे। यहाँ पर आप पेड़ पेड़ है, तो यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत भी और अच्छा भी है, तो वर्थ है आना। आप लोग भी आ सकते हो, और आप लोग भी आ सकते हो ग्रुप के साथ या अकेले, जैसे कि हम तो अकेले ही आए हैं, चिल करना था। क्या ही झूठ बोलेंगे गाइस, पूरा ग्रुप में मैसेज किए थे, सबको मैसेज किए थे कि भाई सुबह सुबह घूमने चले या कोई, सिंगल एक मैसेज तक नहीं आया, जिसकी वजह से हम ही ये दोनों आए हैं। तो कोई बात नहीं, इस जगह को एक्सप्लोर किए हम आए हैं, तो थोड़ा सा शांति में है, सीन तो सब देख ही चुका है। क्या बोलती पब्लिक? हंसता का है गाइस, मजाक उड़ा रहा है गाइस, बोलता है कि गाड़ी से बात करता है, पागल है क्या गाइस? अभी हम लोग अपने गाड़ी से पूछेंगे इसको सही में लोकेशन में आके अच्छा लगा या नहीं लगा, अगर ये रिस्पॉन्ड देखते हैं देती है या नहीं। बीस्ट है अपनी ब्रो, बीस्ट है।
खड़े जी, आपको ये नज़ारा देख के अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? यो गाइस, गाड़ी को इस जगह आके भी बहुत खुश लग रहा है। तो जैसे कि आप लोग को यहाँ आगे से नज़ारा दिखाते, ये नज़ारा ना बहुत काफ़ी फाट लोकेशन है, काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है। यहाँ से तो नहीं दिखेगा लेकिन लोकेशन देख के खुश हो जाओगे गाइस। यहाँ हो गए तो ब्रेकफास्ट यूनिट है, सबको यहाँ रखते जा रहे हैं। रखो भाई, बाय बाय बाय। जैसा आदमी वैसा रखने का तरीका, उल्टा क्यों रखा है भाई, सीधा करो। अच्छा अच्छा अच्छा, व्हाट इज दिस बिहेवियर गाइस? अब सीधा हो गया, अब सीधा हो गया है गाइस। लेकिन ये आदमी नहीं सीधा हो पा रहा है गाइस। सब हम एनर्जी के साथ थोड़ा सा रिफ्रेश होंगे और बिस्किट खाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि बिस्किट में, अब भाई बिस्किट ये बोलते हैं बिस्कुट बोलते हैं, कॉमेंट करके बता दो गाइज, क्योंकि अपने का तो बिस्किट बिस्किट ही आदत है। गाइज अब अपना फ़ोन को हम इस तरीके से कुछ एडजस्ट कर चुके हैं टाइम लैप्स के लिए, तो अब हम टाइम लैप्स बनाते हैं अपना ब्रेकफास्ट करते करते। और जो हम अपना व्लॉग करते हैं वो हम करते हैं आईफोन 12 मिनी से, तो इसलिए क्वालिटी थोड़ा अच्छा आता है। और जो इस फ़ोन से अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये फ़ोन है 13 जो कि मेरा फ्रेंड का है, ये इस आदमी का है। ये बिस्किट है हमारा, इसको थोड़ा सा अनबॉक्सिंग करते हैं और इस बिस्किट को खाते हैं। गाइज हम तो अनबॉक्स कर ही लिए, कितना पीछे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे भाई भाई भाई, 3 रुपया में 10 पीस गाइज, 3 रुपया में 10 पीस, मतलब 1 पीस का कितना। सो गाइज वी आर डन विथ आवर ब्रेकफास्ट। सो अब हम सोच रहे हैं कि अब हम वापस जाएंगे घर, घर की ओर बढ़ेंगे हम लोग। ये नज़ारा तो काफ़ी चीज कर लिया। और तो तीसरा रीज़न जो बोले थे, जो कि 2 रीज़न आप लोग दे दिए, तीसरा रीज़न इसलिए यहाँ आए थे क्योंकि हमारा समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है। तो हम सोच रहे हैं कि आपसे डेली ब्लॉग करें, तो अपना लाइफ स्टाइल दिखाएंगे आप लोग को कि हम क्या है, अपना इंट्रोडक्शन ब्लॉग एक बनाएंगे जिसमें अपने बारे में बताएंगे कि हम कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ रहते हैं, पूरा नाम क्या है, सब कुछ बताएंगे। और आज का ब्लॉग था ये समर वेकेशन का पहला ब्लॉग, तो आप लोग अब डेली ब्लॉग दिखते रहेगा, मिलते रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक बनता है, क्योंकि छोटी छोटी अप्रिसिएशन जो मिलता है ना, जो कमेंट में हम लोग पढ़ते हैं, कमेंट सब देखते हैं, कमेंट सब रहता है, वो छोटा छोटा अप्रिसिएशन भी बहुत खुश कर देता है दिल। सो गाइज बने रहे इस ब्लॉग में। सो गाइज अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं, और यहाँ आप आओगे तो आप लोग को यहाँ पूरा शांति मिलेगा, मतलब आसपास लोग बहुत कम मिलेंगे और बहुत पीस है यहाँ। मतलब अगले टाइम में आओ, फैमिली के साथ भी आ सकते हो, बस यहाँ कार आने का रास्ता शायद कोई और होगा जो कि हमने नहीं देखा है। जहाँ से बाइक आता है 2-3 रास्ता है, वहाँ से सिर्फ बाइक ही आता है, और कार वगैरह का रास्ता मतलब रास्ता ख़राब ही है। और बहुत देर यहाँ रहे हम लोग, टाइम घड़ी तो नहीं लाए हैं लेकिन टाइम अराउंड 9-10 11 हो रहा है टाइम गाइज। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे और चलिए फिर दुमका पहुँच के ब्लॉक करते हैं फिर। सो गाइस दुमका में घूमने के लिए वैसे तो बहुत जगह है, लेकिन बस वही ना कि लोग एक्सप्लोर नहीं किया है, और एक्सप्लोर नहीं किया है ना तो रोड नहीं बना है, तो बस एक्सप्लोर होते रहेगा, लोग आते रहेंगे तो धीरे धीरे इधर भी होप रोड बने, क्योंकि ये गाइस अच्छा जगह। लेकिन वही इस जगह का यही खासियत है ना कि यहाँ लोग नहीं रहते हैं और यहाँ बहुत खाली रहता है, पीस रहता है, तो इसलिए ये भी अच्छा कि यहाँ रोड नहीं है, तो उसमें नॉइज़ कैंसिलेशन रहेगा ना। हाँ तो गाइज अब हम रोड के पास निकल चुके हैं, जो कि यहाँ एक नया सो गाइज ये है केंद्रीय विद्यालय दुमका। सो गाइज अब हम यहाँ से ले रहे हैं शॉर्टकट, यही से मुड़ना है भाई, फिर एक्चुअली हम सब जा रहे हैं कुसुमडी, वहाँ एक ढाबा है जहाँ हम लोग चाय पियेंगे। That's what I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst I say and turn them to a game. Take the best I say and put them on display. On repeat. निकल चुके हैं मेन रोड में, जो कि इधर आपका रिंग रोड है,
इधर आपका पतापड़ी भी जाता है और इधर आपका जाएंगे हम लोग कुरवा, कुरवा पार करके हम जाएंगे कुसुमडी, और कुसुमडी ही तो हमें जाना है गाइस, क्योंकि चाय चाय जरूरी है गाइस। गाइस चाय ही चाय कहीं नहीं है गाइस, चाय ही नहीं मिलता कहीं। आज चाय नहीं मिल रहा है क्योंकि भैया वोट देने गए थे, आज दुमका में इलेक्शन है। और क्या चीज का इलेक्शन है भाई? मुखिया और सचिव, मुखिया और कुछ तो था भाई, मुखिया और वार्ड का था। ओ गाइस अभी चाय तो नहीं मिला तो हम ठंडा ले रहे हैं। कौन सा ठंडा लेगा भाई? चाय क्या से बनता है? दूध से बनता है, मिल्क शेक पिएंगे। तो भैया बोल रहे हैं चाय, भैया चाय कब मिलेगा भैया? शाम को। शाम को तो शाम में गाइस हम आते हैं। पानी दे दीजिए ना, था नॉर्मल। हम लोग धूप से आए तो धूप में क्या भाई? पानी प्यास लगता है बहुत। नहीं, गर्म में आकर डायरेक्ट ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। गाइस चाय है तो हमें आज भी नहीं मिला और ढाबा हो चुका बंद क्योंकि आज दुमका में इलेक्शन है। सब यहाँ तो हम लोग का काम अभी ख़त्म हो गया, मतलब चाय तो मिला नहीं, तो अब यहाँ से बढ़ते हैं फिर घर जाते हैं। चलो भाई, ये भाई बहुत लेट करता है। हेलमेट भाई, हेलमेट कहाँ है आपका? हेलमेट तो गाड़ी निकालेंगे नहीं क्या? हम चलाएंगे कि तुम चलाएंगे? हम चलाते हैं फिर तुम छोड़ चल जाएंगे। सो गाइस गाड़ी चला रहे हैं हम और अभी घर जाएंगे, तो घर जाके ब्लॉग को एंड कर देंगे। Go, 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 go